हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ आप सभी के लिए, और मैं देखना चाहती हूँ क्या आपके पार्टनर वाकई में आपसे प्यार करते हैं, या सिर्फ फ्लर्ट करें, या टाइम पास करें, या फिर जो भी आप समझते हैं ठीक है वो कर रहे हैं, या फिर आप जेन्युइन फीलिंग्स के साथ उनके साथ प्यार कर रहे हैं और वो आपके साथ फ्लर्ट करें, ऐसा कुछ है तो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी है, अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा विदेश में है तो भी वहाँ से भी आप रीडिंग पा सकते हैं बिल्कुल अफोर्डेबल चार्जेस पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक मेरा है तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में मैं देखना चाहूँगी कि क्या इंसान आपसे प्यार करता है या फ्लर्ट कर रहा है, ठीक है, या टाइम पास कर रहा है। ठीक है, चले देखते हैं कौन इंसान है और इनकी एनर्जीज देख लेते हैं पहले आपके लिए, और सारा कुछ बताऊंगी आज मैं। ठीक है, तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा, और पसंद आती है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आपसे रेजोनेट होनी चाहिए, चेक कीजिएगा कि कहाँ तक आपसे मेल खा रही है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं गाइज। ओके, यूनिवर्स एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, क्या ये मेरे व्यूअर्स से प्यार करते हैं, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास है, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। ओके, नंबर 35 है हमारे पास। यूनिवर्स और बताइए क्या इंसान प्यार करते हैं, एनर्जीज बताइए इनकी, व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, अगेन चक्रास का कार्ड है, सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल, 41 का कार्ड है, ये आप लोगों की एज भी हो सकती है। अगेन मेरे पास टेम्पल पाथ आया है पलट कर, द टेम्पल पाथ नंबर 12। ओके, और क्या एनर्जीज है, एक कार्ड और चाहिए हमें, यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, क्या प्यार करते हैं या टाइम पास कर रहे हैं। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, ऑल राइट, नंबर 51 भी है यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों की एज हो सकती है, फिर कोई ना कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है ये एज वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे बॉटम का कार्ड है नंबर थ्री, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, तो देखिए इस इंसान की आपके लिए एनर्जीज़ क्या हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये जो इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ एक खुशियों को देख रहे हैं। ठीक है, ये कैसी एनर्जी है, आपके साथ ये स्टेबल कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट जो कार्ड ही है वो ये बता रहा है कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट चक्रा है, यानी कि कोई स्टेबल कमिटमेंट आपसे चाहता है, कमिटमेंट नहीं तो स्टेबल कुछ जैसे सीरियस है आपके लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है इस कार्ड को देखने से। ये इंसान अपनी लाइफ को सीरियस देख रहा है, आपको सीरियस देख रहा है, डेफिनेटली आपके साथ सिक्योर रिलेशनशिप में जाना चाहता है। ठीक है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं क्या वो प्यार करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले प्यार से ज़्यादा ही सीरियस है आपके कनेक्शन में। ठीक है, दूसरी बात क्या है, सेवन चक्रा कहीं ना कहीं इनके माइंड में आपके लिए जो क्लियरिटी है वो किसी और के लिए नहीं है। ठीक है, आपके लिए श्योर है, श्योरिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, इनको ये फील होता है कि आपके और इनके कनेक्शन में कहीं ना कहीं कर्माज जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपके कर्माज, इनके कर्माज, कर्माज ने आपको मिलाया है। ठीक है, इनकी डेस्टिनी में आप हो, इस तरह का ये फील कर रहे हैं, और ये जैसे कहते हैं ना पास्ट की एनर्जी से हील हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोगों की हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो ये हेल्थ इश्यूज से फ्री होना चाहते हैं, वहाँ से निकल जाना चाहते हैं, हीलिंग चल रही है किसी भी तरह की, सबके लिए अलग अलग हीलिंग होती है आप जानते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कोई पुराना पास्ट था, कोई पुराने पास्ट की एनर्जी है, उसे हील कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। ठीक है, सिक्स नंबर और वन नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आज के लिए, और नंबर थ्री भी। ठीक है, इनकी देखिए बॉटम वाली एनर्जी, यानी कि मेन एनर्जी ये है कि ये अपनी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को चाहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अपने जीवन में वेल्थ तो चाहते ही हैं, वेल्थ के अलावा खुशियाँ भी चाहते हैं। ठीक है, इनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों की ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, एक डिज़ायर पूरी करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने गोल फिक्स कर रखे हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं, और पर्सनल लाइफ में भी इनके कुछ गोल्स हैं आपको लेकर, उनको ये पूरा करना चाहते हैं। गोल से मेरा मतलब है कि आपके साथ कैसे जिंदगी जिए उसके लिए इमेजिन करते होंगे, तो उसी तरह का कुछ सिस्टम इनको समझ में आ रहा है। ठीक है, कि आपके साथ ऐसी लाइफ हो, तो मुझे पूरी तरह से लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए सीरियस है। आगे देखते हैं प्यार है या नहीं, क्या है और देखते हैं हम। यूनिवर्स गाइड कीजिए, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से प्यार करते हैं या नहीं करते, क्या क्या इनके मन में चल रहा है, दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करंट एनर्जीज है, मेरे व्यूअर्स से प्यार करते हैं या नहीं, यूनिवर्स एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें, प्यार है या टाइम पास है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। ऑलराइट, कार्ड्स को हम शफल करके ही निकालेंगे। ठीक है,
जो गिरेगा उसे उठा लेंगे हम। ऑल राइट, ओके, ये पलट के आए हमारे पास। सबसे पहला कार्ड है कॉइक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, और क्या है, नंबर 33 का कार्ड है। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास है न्यू लाइफ, नंबर 39। ये आप लोगों की एज भी होगी। कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी मैच्योर लग रहे हैं, ठीक है। और क्या एनर्जीज है, ओके, टू कार्ड्स मेरे पास आए हैं, ऑर्फेंट नंबर 5 एंड एक और है थिंकर नंबर 44, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जीज क्या कह रही है करेंटली, वो आपके लिए क्या सोच रही है। ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पहले शोबाजी को बहुत पसंद करते थे या फिर शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते थे। ये बहुत सी मतलब ऐसी चीज़ों के पीछे दौड़ते थे जो कि शो ऑफ को दिखाया दिखती, लेकिन कहीं ना कहीं इनको जैसे कहते हैं ना कि एक चेंज मालूम हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके आने से और आपके किसी रीज़न से इनको एक अवेकनिंग आई है। अवेकनिंग कैसी कि सच्चाई को समझ रहे हैं, ठीक है। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, इनको समझ में आने लगी। रिश्तों में भी इसी तरह की एनर्जी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप की सच्चाई समझने लगे हैं कि कोई सुंदरता मायने नहीं रखती। आदमी का दिल, आदमी का व्यवहार, आदमी की इंटेंशंस मायने रखती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पहले सुंदरता के पीछे भागते थे, चमकीली चीज़ों के पीछे भागते थे जो कि सोना नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब इनको फ़र्क नज़र आने लगा है चीज़ों में, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ रहा है डेफिनेटली, ये आपकी सच्चाई को, आपकी प्योरिटी को समझने लगे हैं, ठीक है। इनको डीप डाउन कोई आपसे कॉन्फ्लिक्ट है, उसको ख़त्म करना है। लेकिन मतलब थोड़ा सा ज़िद्दी किस्म के इंसान है आपके पार्टनर, अपने तरीके से चलने वाले हैं, तो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, ठीक है। ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ एक न्यू फेज शुरू हो, जिंदगी की एक न्यू लाइफ चाहते हैं आपसे, ठीक है। क्योंकि आपके लिए कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ये कुछ बातों को लेकर जैसे से ना समस्याएं हैं, छोटी मोटी आपकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, इन एंड आउट बहुत होते रहते हैं, छोटे मोटे मन मुटाव रहते हैं, तो उसके कारण उन चीज़ों को सॉर्ट आउट तो करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप हो जाए तो ये देख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपसे न्यू स्टार्ट चाहते हैं। इनको ये फील होता है कि जो ये डिज़र्व करते हैं इनको शुरू से वो नहीं मिला, यानी कि ये अपने आप को डिज़र्वेबल पर्सन मानते हैं। यानी कि कुछ बातें ऐसी होती है कि हम डिज़र्व करते हैं, लेकिन हम जो डिज़र्व करते हैं हमको वो हमेशा नहीं मिलता। ये ऊपर वाले से भी अपनी बातों को बोलते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनको जो चाहिए था वो इनको ज़िंदगी में नहीं मिला, इसलिए ये ऐसा मानते हैं कि इनको जो डिज़र्व करता था वो कभी नहीं मिला, ठीक है। इस वजह से ये अकेलापन फील करते हैं, इस वजह से बहुत सारी बातों को मैनिफेस्ट भी करते हैं अपने जीवन में, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ क्या सिचुएशन है, आपके साथ डेफिनेटली कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी से बाहर आ जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा सिस्टम इनका अलग है, अपने तरीके से चलना, ठीक है। यहाँ लॉजिकल सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं कि आपके और इनके बीच में क्या तालमेल हो सकता है, ठीक है। डिज़ायर्स तो पूरी कर लेंगे, लेकिन आपके साथ क्या ज़िंदगी जी जा सकती है, एक साथ रह सकते हैं आप एक ही घर में, एक ही जगह, ठीक है। ऐसा कुछ सोच रहे हैं जिसमें इनको लॉजिकल लगता है, ठीक है। आपके इनके बीच में कॉमन ग्राउंड क्या है, ठीक है। पास रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें, विचारों का होना, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारी बातें इनको समझ में आ रही है, तो ये बहुत लॉजिकल सोच रहे हैं और प्रैक्टिकल थिंकिंग है इनकी, ठीक है। ये इमोशनली तो आपके साथ अटैच हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। अभी इस वक्त क्या है, ये अपने आप को रेडी कर रहे हैं, तो ये क्या प्यार करते हैं अभी उसको भी हम देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे इस एनर्जी से लग रहा है कि आपके लिए कॉन्फिडेंट हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। इनको लगता है कि ये जो डिज़र्व करते हैं इनको कभी नहीं मिला, ठीक है। लेकिन आपके लिए प्रैक्टिकल और लॉजिकल थिंकिंग है, ठीक है। ओवरऑल ये सच्चाई को पहचान रहे हैं, चमकीली चीज़ों के पीछे भागना बंद कर दिया इन्होंने, आपके लिए बदल रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई यानी कि प्योरिटी को समझ रहे हैं, ठीक है। हर चमकीली चीज़ सोना नहीं होती, इनको समझ आ गया, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि आपसे प्यार है या नहीं है यूनिवर्स गाइड की जगह में। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी इनकी फीलिंग्स वगैरह, जो भी आपके लिए फ़ील करते हैं वो सब सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी कि आपके रिलेशनशिप को ये कैसे देख रहे हैं, किस एंगल से देखते हैं आपके रिलेशनशिप को, क्या सोचते हैं आपके रिलेशनशिप में। चाहे कुछ भी सिचुएशन हो सकती है आपकी, सबके लिए डिफ़र करेगी, जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी कि आपके रिलेशनशिप को इस वक्त जब आप ये रीडिंग देखेंगे, टाइमलेस है मेरी रीडिंग, ठीक है। जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकती है, तो इस वक्त आपके रिलेशनशिप में क्या सोच रहे हैं, क्या है आपके रिलेशनशिप, क्या इंपॉर्टेंस रखता है, क्या सोच रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। ओके, देखिए जैसे कि मैंने कहा कि ये सिक्योर रिलेशनशिप चाहते हैं, तो ये कार्ड भी मुझे ये बता रहा है कि ये आपके लिए गिव अप नहीं करेंगे, आपके लिए कोई एक्शन लेना, आपके लिए स्टैंड लेना ये चाहते हैं, ठीक है। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार, वेट अ सेकेंड गाइज, 7 of Wands को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, ये पहले एंजाइटी में थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट की गलतियों का इनको पता है,
कि इनसे गलतियाँ हुई है, लेकिन अब ये गिव अप नहीं करेंगे। इन पास्ट की गलतियों को सुधारने के लिए आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। तो दूसरी बात, यानी कि सीरियस हैं आपके लिए, ठीक है। और क्या है, क्या क्या प्यार करते हैं, तो मतलब आपको कौन कौन समझते हैं, आपको कैसे समझते हैं, क्या सोचते हैं आपके लिए, चलिए देखते हैं। आपको किस नज़र से देखते हैं, आप कौन हो इनके लिए, चलिए देखते हैं। मेरे व्यूअर्स को किस नज़र से देखते हैं इनके पार्टनर, जस्टिस, यानी कि जस्टिस कहीं ना कहीं आपके साथ ये जस्टिस देना चाहते हैं, चीज़ें बैलेंस करके, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रिलेशनशिप से पहले बाहर निकल चुके हैं, अभी दोबारा आपसे स्टार्ट करना चाहते हैं। ये सबके लिए नहीं मिलेगा मैसेज, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात है, ठीक है। ये आपके साथ चीज़ें बैलेंस करके आगे आपको जस्टिस देना चाहते हैं, यानी कि कोर्ट मैरिज वगैरह, ठीक है। इनको थोड़ा सा रिस्की लगता है, लेकिन ये लीप ऑफ फेथ लेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पे हर्मिट आ गया, कहीं ना कहीं ये आपको किस तरह से देख रहे हैं कि आपको इनसे जस्टिस चाहिए, ठीक है। और आप इनके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हो, ठीक है। आर या पार वाली सिचुएशन आपके साथ है और यही बातें ये सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आपको किस तरह से देखते हैं कि आपको जस्टिस चाहिए और आप इनके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हो, आप एक रास्ता खोज रहे हो जिससे आपको जस्टिस मिले, ठीक है। अभी आपके लिए फीलिंग्स क्या है इनकी, इन दिनों जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, इन दिनों फीलिंग्स क्या है इनकी आपके लिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स, कोई थर्ड पर्सन है, मुझे ऐसा लगता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ पाबंदी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके कारण अपने आप को कंट्रोल करते हैं, कोई थर्ड पर्सन है जिसके कारण कंट्रोल कर सकते हैं। अब थर्ड पर्सन सबके लिए अलग होगा, मुझे मत बोलिएगा कि थर्ड पर्सन कौन है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है जिसके कारण ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है, अपने आप को कंट्रोल कर जाते हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मैजिशियन, यस, ये सही वक्त का वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शुरुआत तो करेंगे आपसे। इनकी ये है कि ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन चल रहा है, इनके दिमाग माइंड गेम खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए जो भी सिचुएशन है उसमें अपने आप को कंट्रोल करते हैं, लेकिन आपके लिए इनका माइंड बहुत चल रहा है आपसे नई शुरुआत को लेकर, आपके साथ चीज़ें आगे बढ़े। मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पर्सन डेफिनेटली कोई है और उसके कारण ये आपके लिए जैसे राइट टाइम का वेट करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको परफेक्ट टाइम मिलेगा तभी आपसे शुरुआत करेंगे, ये आपको मैनिफेस्ट करें, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में कभी नहीं हुई लेकिन आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और एक राइट टाइम का वेट करें। इनकी फीलिंग्स यही है कि अब ये स्टक नहीं रहना चाहते, ये अपने हिसाब से चीज़ों को घुमाना चाहते हैं, यानी कि जो इनको पसंद है इसलिए इनका माइंड चल रहा है। मैजिशियन क्या होता है, मैजिक करने वाला होता है, ठीक है। तो अपनी चीज़ों को फेवर में करना जानते हैं, अपनी सिचुएशन को अपने फेवर में करना इनको आता है, तो डेफिनेटली वो ही कर रहे हैं। अब ये कंट्रोल नहीं करेंगे अपनी फीलिंग्स को, ये डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं आपसे क्या चाहते हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं इनके पार्टनर, मेरे व्यूअर्स से चाहते क्या हैं, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। वाह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप जानते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कौन होता है, स्पाउस होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपसे चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आएँ, आप इनकी ज़िंदगी में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेके आएँ, ठीक है। जैसे कि मैंने फर्स्ट कार्ड ही आपको बताती है, सिक्योर रिलेशनशिप चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं, यस, स्टेबिलिटी वाला रिलेशनशिप, एक ग्राउंडेड एनर्जी चाहते हैं जिससे आपका इनका रिश्ता बहुत पक्का हो। ये स्पाउस का कार्ड है तो आपको स्पाउस बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपसे चाहते हैं कि आप इसके लिए इनकी मदद करें, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इसको, क्योंकि आप इनकी एम्प्रेस हो, ठीक है, आप दी बेस्ट हो इनके लिए, और कोई भी इंसान इनकी लाइफ में ऐसा नहीं है जो कि इनको डिजर्व करता है, लेकिन आप डिजर्व करते हो, इनको ये लगता है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे यही चाहते हैं कि आप इनके लिए एक्टिव रहें, आप इनके लिए बहुत कुछ करें। मुझे ऐसा कहना पड़ेगा यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्स, आप इनके लिए जो पैशन है उसको कम ना करें, ठीक है। आप इनके साथ रिलेशनशिप जो भी है उसको स्टेबल करें, ये चाहते हैं कि आप हिम्मत और ताकत रख के इनके साथ बने रहें, ठीक है। ओवरऑल जो भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे ये चाहते हैं कि आप इनके लिए डेफिनेटली हिम्मत और ताकत रख के इनके साथ बने रहें, ठीक है। हर कदम से कदम इनके साथ रहें, ठीक है, क्योंकि आप इनकी एम्प्रेस हो, ठीक है। आपके साथ जैसे कोई आपके बराबर कोई नहीं आ सकता, इनके दिल में आपकी खास जगह है और डेफिनेटली ये जो है आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगी दूसरी डेक से, क्या ये इंसान आपसे प्यार करता है या नहीं करता। चलिए देखते हैं, फाइनली देख लेते हैं क्या ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा, यूनिवर्स एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इनसे प्यार करते हैं या नहीं करते, यूनिवर्स हमें क्लियर विजन दीजिएगा, क्या इंसान प्यार करते हैं मेरे व्यूअर्स से, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स पूछ रहे हैं, प्यार है या टाइम पास है। देखिए अभी तक तो बहुत सीरियस लगे हैं मुझे, लेकिन दूसरी डेक से देखते हैं हम, क्या इंसान मेरे व्यूअर्स को प्यार करते हैं या टाइम पास कर रहे हैं,
ऑल राइट, तो ये वाला कार्ड आने को है, थ्री ऑफ वॉन्स। ओके, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे, बात करेंगे कि क्या इंसान प्यार करते हैं। देखिए मेरे पास दो कार्ड पलट के आए हैं और मैं वो ही लूँगी, ठीक है। अगेन द मैजिशियन आ गया हमारे पास, और टू कार्ड्स और हैं मेरे पास जो पलट के आए हैं, टेन ऑफ सॉर्ड्स हैं और मेरे पास थ्री ऑफ सॉर्ड्स हैं। ओके ओके गाइस, थोड़े से कार्ड और निकालते हैं, फिर मैं बताती हूँ क्या इंसान आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते। ऑलराइट, ओके, यूनिवर्स हमें बताए कि इंसान प्यार करते हैं मेरे व्यूअर्स से या नहीं करते। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा, क्या इंसान प्यार करते हैं नहीं। सिर्फ एक कार्ड दीजिए, प्यार करते हैं या नहीं, प्यार है या नहीं, एंजल्स बताइए हमें। ओके, टेन ऑफ कॉइंस, वाओ गाइस, देखिए मैं यहाँ पे बताती हूँ अब आपको। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मुझे जो दिखा है, यहाँ पे देखिए प्रिंसेस ऑफ वॉन्स, आपको ये बहुत एडमायर करते हैं, आपको ये सच्ची बात बताना चाहते हैं। मैं सच्ची बात आपको ये बताना चाहती हूँ, इनकी नज़रों में आपसे ये बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्यार से ज़्यादा पैशनेट हैं। आप बहुत सुंदर है, गुड लुकिंग है, ठीक है, आपके लिए डेफिनेटली प्यार तो है ही, दिल में पैशन ज़्यादा है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्स, ये किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल क्लियरली बताऊँ तो यहाँ पे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के लिए आप दोनों ही मैरिड है, यानी कि फोर्थ पार्टी सिचुएशन है। तो ये क्या प्यार करते हैं, यस ही आपसे प्यार करते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपके साथ चीज़ें प्रोग्रेस देख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं थ्री ऑफ वॉन्स ये किसी चीज़ का वेट करें, किस चीज़ का वेट करें, राइट टाइम का, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें अपने फेवर में करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए इनकी एंडिंग्स हुई है, या तो किसी का तलाक हुआ है, डिवोर्स हुआ है, या फिर कुछ एंडिंग्स के बाद ये नई शुरुआत की सोच रहे हैं। इनको हीलिंग चाहिए, इनको पास्ट में जो दुख मिले थे उससे हीलिंग चाहिए। आप एक ऐसे इंसान हो जो कि इनके डिजर्वेबल हो, यानी कि इनके काबिल हो, कहीं ना कहीं आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपको, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। प्यार तो है ही, मुझे ऐसा लगता है ये आपके साथ अपनी दुनिया को सेटल करना चाहते हैं। दुनिया से मेरा मतलब है, आप अगर इनकी ज़िंदगी में आओगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, इनको ये फील होता है। नाइन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। नाइन ऑफ कॉइन्स ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी लग रही है कि कहीं ना कहीं प्रिंसेस ऑफ वॉन्स ये आपसे सच बताना चाहते हैं कि ये किसी रिलेशनशिप से छुटकारा पाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए नाइन ऑफ कॉइन्स एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि इनका करियर सही नहीं चल रहा, तो करियर में ये बहुत स्टेबल होना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि आपसे सेटल होने के लिए किसी से पहले छुटकारा चाहते हैं, यानी अलोन एनर्जी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे नाइन ऑफ कॉइन्स यानी कि कोई अपने आप को पहले फ्रीडम चाहता है, फ्रीडम यानी आज़ाद करना चाहता है, उसके बाद आपके पास कनेक्ट होगा। यानी कि प्यार तो है इनके दिल में, लेकिन उससे पहले समस्याएं बहुत हैं इनके आसपास, ठीक है। तो ये इंसान जो है आपसे प्यार करता है, डेफिनेटली करता है, ठीक है, आपको एडमायर करता है, आपके साथ प्रोग्रेस भी चाहता है, लेकिन इनके कहीं ना कहीं स्टकनेस इसलिए है, ये राइट टाइम का वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन है जिससे कट ऑफ करके उससे बाहर आने की कोशिश करें। ये इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और चीज़ें आपके फेवर में लाने की कोशिश करें ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएं, ठीक है। पूरी तरह से रीडिंग मुझे ये बता रही है कि ये बहुत आपको सच बोलना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी जब तक नहीं जाएगी इनके जीवन से, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, तो थर्ड पार्टी जब तक नहीं जाएगी ये स्टक रहेंगे, लेकिन प्यार आपसे करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि इनके कार्ड्स में सीरियसनेस लग रही है। इनके कार्ड्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड एनर्जी लग रही है, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं गाइज, ओके, नेक्स्ट बताइए क्या हो सकता है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा, नेक्स्ट क्या करने वाले हैं कुछ वीक्स में। ओके, एक कार्ड मेरे पास आया, पलट के ये ले लेते हैं। नेक्स्ट नाइट ऑफ वॉन्स, मैं फिर से बोलूँगी कि ये इंसान बहुत जल्द आने वाले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, दोबारा आएंगे। अगर आ चुके हैं तो डेफिनेटली बहुत पैशनेट एक स्टार्ट करेंगे आपसे। और क्या है, ओके, मेरे पास कार्ड आ चुके हैं और मैं इनका नेक्स्ट एक्शन बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। बहुत सारे कार्ड हैं बट मुझे लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले है एट ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, आना चाहते हैं एक लविंग ऑफर लेके, पैशनेट होके आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं पर निराश हैं। किंग ऑफ वॉन्स, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट भी हैं, ठीक है। ये देखिए किंग नाइट ऑफ वॉन्स है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्स है, ये मतलब मैच्योरिटी के लेवल के साथ आना चाहते हैं, अपनी अपनी ग्रेड को अपग्रेड करके फिर आना चाहते हैं। यहाँ पे नाइट की एनर्जी, यहाँ पे किंग यानी कि कोई रियली भी आपके साथ बहुत सीरियस होता जा रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं और आपके साथ इनका जैसे बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना डिज़ायर्स बहुत हैं इनकी, ठीक है। क्वीन ऑफ कॉइन्स है, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपके साथ ये
स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, आप इनके लिए मैरिज पैकेज हो पूरे, ठीक है। इसलिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, यहाँ पे देखिए सेवन ऑफ कॉइन्स, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में है, वेट कर रहे हैं, ठीक है। इनके पास ऑप्शन हो सकते हैं पर ये आपको ही चुनेंगे। यहाँ पे देखिए दिव वर्ल्ड, इनका इनके साथ आपका एक नया साइकिल शुरू होगा, ठीक है। बहुत जल्द आपके साथ इनका एक नया साइकिल शुरू होगा, कहीं ना कहीं एक फेज ख़त्म होके यानी कि एक साइकिल ख़त्म होगा और आपके साथ इनका नया साइकिल शुरू होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कुछ स्टकनेस है, कोई थर्ड पार्टी इनके जीवन में है तो उसको ये कट ऑफ करके आपके साथ आ रहे हैं, ठीक है। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे टावर, अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ आपको चेंज मिलेगा स्थिति में, ठीक है। मैं प्रॉपरली नहीं बता पाऊंगी कि क्या चेंजेस हैं, इसको क्लैरिफाई करेंगे हम, ठीक है। इनकी बॉटम वाली एनर्जी को द टावर क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन। द मून, देखिए रिवर्स में आया था लेकिन रिवर्सल्स मैं नहीं पढ़ती, ठीक है। तो यहाँ पे अचानक ये कहीं ना कहीं डर में आएंगे और कहीं ना कहीं अचानक डर से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे उल्टा दिखाई दिया था, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ये सीक्रेट आपको रिवील करेंगे और किसी डर से बाहर निकलेंगे, ठीक है। आपके साथ एक नया साइकिल शुरू करेंगे, मुझे ऐसा लगता है ये आप जगलिंग नहीं करेंगे, आपके लिए कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरी तरह से आज की रीडिंग में बस इतना ही। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करती है, कुछ भी पसंद आता है, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।